ईडी जो है वो सिंघम अवतार में है लोग ईडी की फुल फॉर्म बता रहे हैं लेकिन ईडी फुल फॉर्म में नजर आ रही है बिना समय गवाए ओपनिंग स्टेटमेंट आप दोनों को मैं दे रहा हूं। लेकिन पहले डीपी बदल लिया संबित रोहन भाई डीपी बदली आप लोगों ने बिल्कुल डीपी तो कल से ही बदल चुका है डीपी अब तिरंगा है हाँ। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा जो सोशल मीडिया में हैं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील किया है कि आइए हम सब डीपी बदलें और 13 से 15 अगस्त के बीच हम सब अपने घरों पर तिरंगा फहराएं चलिए शुरुआत करते हैं पहले आप ही से शुरू कर रहा हूँ संबित ईडी को कौन सा बूस्टर डोज लगा दिया आप लोगों ने मतलब वैसे मजाक में लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि नोटों में चिप लगी है और लग रहा है सही में लगी है ईडी को पता लग जाता है कहाँ पर है देखिए अमन जी पहले ईडी का फुल, फुल फॉर्म क्या होता था अब ईडी का फुल फॉर्म फु क्या है यह समझना पड़ेगा पहले मुझे लगता है कुछ लोगों ने सोच लिया था कि ईडी का फुल फॉर्म एंटाइटलमेंट फॉर डेकोइटी कि हम डाका डालेंगे इसके लिए हम एंटाइटल्ड हैं और चूंकि हम माननीय नेता हैं और हम बड़े घरानों से आते हैं इसलिए हमारे ऊपर कोई छापा नहीं डालेगा इस प्रकार की मानसिकता से लोग काम करते थे और आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसका काम है कानून को एनफोर्स करना और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना वो अपना काम कर रही है आप तो मीडिया वाले हैं आपका जो कैमरा है वो तो हकीकत दिखाता है आपने कैमरों में दिखाया ढेर पैसों का ढेर दे गड्डी दे गड्डी पैसों का आप बताइए घरों से ऐसे पैसे निकल रहे हैं तो क्या ईडी बोले अच्छा आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप अपोजिशन वाले आपको हम कुछ नहीं करेंगे जाइए जाइए ऐसे करें या जिसके घर से अगर 21 करोड़ रुपए निकल रहा है उसे पकड़ लिया जाए आप बताइए नेशनल हेराल्ड का केस संजय राउत का केस पार्थ चटर्जी का केस सत्येंद्र जैन का केस इन सारे केसों में आप बताइए अगर इसमें मेरिट होता तो क्या जो कोर्ट है वो कोर्ट इनको छोड़ नहीं देती कोर्ट ने इनको रिमांड पे भेजा नेशनल हेराल्ड के केस में अभी आप बता रहे हैं कि ईडी दफ्तर में रेड कर रही ये के केस में जो है जो दिग्गज नेता हुए पटियाला कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे क्या गुहार थी क्वेश कर दीजिए ये एफ होना नहीं चाहिए ये जांच होनी नहीं चाहिए कोर्ट ने क्या कहा नो यू विल हैव टू फेस द ट्रायल ट्रायल फेस करना पड़ेगा क्यों कोई यहां विक्टोरिया क्वीन नहीं है कोई यहां राजकुमार नहीं है अगर आपने भ्रष्टाचार किया है लूटमार मचाया है तो इस नए भारत में जांच तो होगी ही और आगे चलकर हथकड़ी भी लगेगी रोहन गुप्ता आपके ओपनिंग स्टेटमेंट वैसे भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ईडी का फॉर्म सही में बदल चुका है ईडी भाजपा की सत्ता की सीढ़ी बन चुकी है और अमन भी समझ नहीं आता कि ईडी की गाड़ी में ऐसा कौन सा जामर लगा है कि कोई भी भाजपा नेता का उनको घर नेटवर्क में आता ही नहीं चार नेता उन्होंने कहे कोई भाजपा का नेता नहीं हेमंत तो विश्वास शर्मा कांग्रेस में थे ईडी ने एजेंसी उसको जांच की सब किया जैसे ही भाजपा में आए बंद हो गया ईडी के नेटवर्क से बाहर चले गए ऐश्वरप्पा मैं आपको एक कागज दिखाऊंगा 40 प्रतिशत कमीशन के लिए कर्नाटका में किसी को आत्महत्या करनी पड़ी नोटिस भेजेगी ईडी खत्म हो गया ईडी के नेटवर्क से बाहर निकल गए मुकुल रॉय सोमेन मित्रा नारायण राणे मेरे को यह समझ में नहीं आता था ऐसे कौन सी चीप लगी है कि भाजपा नोट नहीं पकड़े जाते हैं और बाकी सबके पकड़े जाते हैं देखिए एजेंसी का गलत होना मैं नहीं मानता हूं कोई एजेंसी गलत है हथियार जिस व्यक्ति के हाथ में है वो इसका क्या उपयोग करता है वो महत्वपूर्ण है इनके शासन में पांच हजार दो सौ बाईस केसिस जो टोटल हुए हैं पीएमएलए एमएलए पांच हजार तीन सौ बारह केस हुए हैं कोई भाजपा ही नहीं है अरे ऐसा तो कौन सा वॉशिंग मशीन है कि जो भी अंदर घुसता है वो साफ होके निकलता है आज तो संबित जी ने कोटी पहनी हुई है तो नहीं तो इनकी भी सफेदी चमक रही है बहरहाल वो भाजपा के कार्यकर्ता उनके लिए नहीं बोलूंगा पर ऐसी कौन सी चिप है कि वो जो ईडी को भाजपाई चिप नजर नहीं आती है और बाकी सबकी चिप नजर आती है तो मेरा कहने का मतलब ये ईडी इज नाउ एंड ऑफ डेमोक्रेसी मैं किसी भी जो भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ कार्यवाही के खिलाफ मैं नहीं हूं उन्होंने नेशनल हेराल्ड की बात की एक ऐसा केस जहां पे प्राइवेट एफआईआर भी नहीं हुए एक ऐसा केस जो आठ साल के अंदर कुछ नहीं हो पाया अगर आपको क्या लगता है कि भाजपा जो सत्ता में है अगर इस केस में कुछ होता तो आठ साल तक चुप बैठते नहीं कल संसद में उनको महंगाई पे चर्चा करनी पड़ी वो महंगाई की चर्चा में एक छह साल की बच्ची ने अपना लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को उसको भी जुटला दिया वो बच्ची ने कहा मेरी मैगी भी महंगी हो गई नहीं महंगाई नहीं है भाजपा ने ऑर्डर पास कर दिया कि महंगाई नहीं है तो नहीं है महंगाई और जैसे ही कल महंगाई पर चर्चा हुई आज इनका जो है एंड ऑफ डेमोक्रेसी डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो गया तो ये जो दोगलापन है ये नहीं चल सकता है। है। देश में पूरा देश ये चीज देख रहा है एक एक कमेंट जल जल्दी तो उनका सवाल ये है कि ईडी को जो बूस्टर डोज लगी है उसमें तबियत सिर्फ ऑपोजिशन की क्यों खराब हो रही है मतलब कुल मिलाकर आज यहाँ इस मंच पर कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता बोल रहे हैं ठीक है हम तो चोर हैं मगर ये भी चोर थे अरे इनको आप नहीं ना मैं तो में नहीं बीच में नहीं आप है, मैं, कौन मैं, सा जामर भी, लगा चोर है आपके बीच में तो बड़े शांति से माइक्रोक बगल में आराम से सुनता रहा हूँ आराम से बोले कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है आप देखिए इनको कुल मिलाकर इनका समरी किया था कि सारा जो है रेट हमारे घर में पड़ रहा है मैं उनका समक, सपोर्ट नहीं करता उनके घर से नोट निकला पकड़ लो मगर उसके घर से क्यों नहीं पकड़ रहे हैं उसके मतलब ये मान गए कि हम है गड़बड़ तो है अब उसको भी पकड़ो जाके ठीक है दूसरा मैं एक सवाल पूछता हूं चलो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के घर में कोई भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है मुझे अमन जी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विगत चार साल के अंदर पांच साल के अंदर आठ साल के अंदर कांग्रेस पार्टी का दिखा दीजिए कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि फलाने मंत्री ने चार करोड़ रुपए खा लिए फलाने मंत्री ने सौ करोड़ रुपए खा लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए अभी चार दिन पहले चिंटू मिंटू इनके जो है दो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर कि स्मृति रानी की बेटी ने लाइसेंस ले लिया स्मृति रानी की बेटी ने फलाना कर दिया ढिगड़ा कर दिया बेचारी अठारह साल की उम्र की बेटी के ऊपर लांछन लगाया था कल कल हाई कोर्ट ने इनको आईना दिखाया और कहा डिलीट करो सब डिलीट करो चिंटू पिंटू अभी डिलीट कर रहे हैं सब टुक 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 सब डिलीट कर रहे हैं चिंटू पिंटू को बोला डिलीट करो कोई लाइसेंस स्मृति रानी की बेटी ने नहीं लिया था किसी प्रकार से इनके नाम पे वो बार नहीं था वो रेस्टोरेंट नहीं था चिंटू पिंटू भागे फिर हैं आपके पास इतना है कि किसके घर में पैसा रखा हुआ है रुपया रखा हुआ है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप बताइए

तो ED तो ईडी कार्रवाई कर रही है समस्या यह हो रही है कि और प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज देखते हैं मैं इनको नहीं बोल रहा हूं चंगू मंगू अब कौन है तो संबिधि बताएंगे उनकी पार्टी में कौन है चंगू मंगू मुद्दा यहाँ पे आपने कहा एक लाख करोड़ बहुत अच्छी चीज बताई अगर भाजपाइयों के ऊपर यही रेड होती ईडी की तो कम से कम दस लाख करोड़ होता और इसी के ऊपर जीएसटी लग के देश का जो ऋण है पूरा सारा चुकता हो जाता मुद्दा यहाँ पे दिक्म, क्या दिक्म, है दिक्म, मैं आप ही बोलिए सिर्फ चार हजार करोड़ था मैं दस लाख तो यही चार हजार करोड़, करोड़ और उस एक लाख करोड़ जो हुआ मैं ये कह रहा हूँ मन जी अगर इनकी नियत में खोट नहीं है तो आज जितनी भी सरकार है अभी देखिए ये महाराष्ट्र के रस्ते कर्नाटका के रस्ते होते होते अब कहा पहुंच गए झारखंड पहुंच गए मुद्दा क्या है कि अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो मुझे बताइए तो या चिंटू बताइए पिंटू बताइए जो ईडी ने कार्यवाही की हो पांच हजार चार सौ बाईस केस में से क्या भाजपा एक भी नेता नहीं निकलेगा और जो लोग कांग्रेस छोड़ के या दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में जाते हैं वो रातों रात साफ हो जाते हैं ये बात गलत है ना ईश्वर ईश्वरअपे मैंने ये कागज जो दिखाया एक आदमी ने आत्महत्या की है वहां पे कॉन्ट्रैक्टर ने कि मुझे 40 प्रतिशत कमीशन देना पड़ा और उसके बाद अप्रैल के बाद में मैं आपको बता रहा आई आर हुई क्या अमन जी आपको नहीं लगता है कि कार्यवाही करके भाजपा को दिखाना चाहिए कि हमारे चंगू मंगू कुछ भी बोले हमारी नियत में खोट नहीं है चंगू मंगू का काम है उनको नौकरी दी जाती आके कुछ भी बोल के चले जाएंगे पर देश यहाँ पे मजाक के मूड में नहीं है हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो भाजपा यूपे भी कार्यवाही करके दिखाइए जिससे देश की जनता को विश्वास आए और दस लाख करोड़ होता अगर उस पे ऊपर ये जीएसटी लगाते भाजपा के भ्रष्टाचार पे जीएसटी लगता तो आज हमारा जो फॉरेन डेट है सारा चुकता हो जाता ठीक है बीजेपी नेता वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री वो सब देखिए पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया इन्होंने कहा कि एक 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 दो नाम नाम बता दीजिए करके, एक सकते। एक सकते। करके एक मैं करके, नाम पूछ रहा प्लीज इन्होंने कहा आपने जब प्रश्न पूछा कि चार हजार करोड़ इनके समय और एक लाख करोड़ से अधिक हमारे समय तो इन्होंने कहा अगर सही तरीके से होता तो दस लाख करोड़ निकल आते भाजपा आप बताइए ये सही तरीके से क्यों नहीं किया इसके साथ किया। इनके समय में सही तरीके से कर लेते तो दस लाख करोड़ निकल जाते तो दस लाख करोड़ निकाला क्योंकि मतलब ना।, ना अब दस बार चंगू मंगू चंगू मंगू अब ये मेरी गलती है क्या चंगू मंगू पिंटू चिंटू पप्पू सब इनके घर में है तो ये मेरी गलती है क्या अब हमारे यहां नहीं है भ्रष्टाचारी भैया कोई नहीं है मतलब किसी को हमारे यहां पे हमारे यहाँ करप्शन का कैंसर नहीं हुआ है तो जबरदस्ती मतलब मतलब इसको नहीं हुआ है का नहीं मेरे को तो केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी दो कैसे भी करके ऐसे थोड़ी होता है आप बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपको पता है कि कोई चंगू मंगू है जो भ्रष्टाचारी है तो चंगू मंगू का साथ आपका क्या रिश्ता है भैया आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल ले रहा है कि इनके भी कई नेता शामिल हैं तो पिछले आठ सालों में कोई एक बड़ा घोटाले का नाम बिल्कुल ये बिल्कुलप्पा चालीस प्रतिशत की मैं बात कर एक बड़े घोटाले ये, ये कमीशन घोटाला तो पांच हजार करोड़ का घोटाला नारायण राणे दस हजार करोड़ का घोटाला मैंने बताया आपको मैंने दस नेता के नाम दिखाए ये चंगू मंगू वहां चले गए तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा एक सवाल एक सवाल क्या ईडी सत्येंद्र जैन वाले केस में सही है

वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है राष्ट्रपति राष्ट्रपति वाला वो वाला भी विवाद हुआ था मेरा सवाल है कि नेशनल केस केस में में ईडी ईडी गलत 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 जी सतेंद्र जैन केस में सही ये कैसे देखिए मैंने कहा सत्य या गलत होना, कोई भी हथियार होता है, सही है को खत्म होने दी जाए मुद्दे आ रहे हैं ये कहना है

पर आज ईडी की कार्यवाही नहीं हुई जो ऐश्वरअप्पा चालीस प्रतिशत कमीशन में किसी की हत्या हो गई उसके ऊपर आज ईडी नहीं जा रहा है तो सवाल तो उठेंगे तो आपकी आपत्ति है कि इन पर क्यों नहीं हो इन पर क्यों नहीं हो अगर खोज नहीं है बिल्कुल

कांग्रेस जवाब किसी के बीच क्या नहीं जान जाएगी इन्होंने कहा यदुरप्पा जी के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं किया गया वो तो बड़े करप्ट थे यदुरप्पा जी ने रेजिग्नेशन दिया यदुरप्पा जी चले गए उस समय यदुरप्पा जी के बाद इनकी सरकार केंद्र में भी थी यूपीए की सरकार और कर्नाटक में भी थी और भारतीय जनता पार्टी ईडी भेज देती है उनके घर में भेज देते आप ईडी उनके घर पे आपको पता था उनके घर के अंदर रखा हुआ पैसे तो क्यों नहीं भेजे इन्होंने कहा नारायण राणे भी करप्ट था अरे अभी अभी दस दिन पहले तक आप ही की महावसुली सरकार वहां पर थी महाराष्ट्र में नारायण महाराष्ट्र के हैं उनके बेटे के ऊपर धमकाने वाला केस लगाया जेल में डालने की कोशिश की एक दिन करप्शन वाला केस नारायण राणे के दफ्तरों पर में वो कह रहे क्योंकि मेरिट नहीं कोई एफआईआर नहीं वैसे ईडी में ईसीआई होती है मतलब वो अलग डिबेट है लेकिन 7 साल से कुछ निकला नहीं कुछ मिला नहीं केस क्लोज हो गया फिर आप जो है पॉलिटिकल वेंडेटा है जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है और लोग ट्विटर पर लिख भी रहे हैं कि पचहत्तर सात सत्तर पचहत्तर साल के बुजुर्ग को ऐसे बुलाकर आप लोग परेशान कर रहे हैं देखिए पहली बात है आप एक बात जान लीजिए नेशनल हेराल्ड केस में दोनों माँ बेटे अर्थात सोनिया जी और राहुल जी बेल बेल पे बाहर हैं बेल तो हम सब समझते ही हैं और बेल ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से नहीं दिया जाता है बेल देने का काम कोर्ट करती है मेरिट्स ऑफ केस पे करती है तो जब मेरिट ऑफ केस देखा गया कि नहीं नहीं गड़बड़ी तो है भैया इनको बेल पे ही छोड़ा जा सकता है छोड़ा नहीं ऐसे बेल पे छोड़ा है देकर बेल पे बेटे बाहर आए हैं नंबर एक। क्यूं? है, नंबर क्यों क्योंकि मेरिट है दो आप मुझे जरा 20 सेकंड दीजिए जरा मैं ब्रीफली जनता को समझाता हूँ नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ ये सत्तर के दशक से नेशनल हेराल्ड चल रहा था तो नेशनल हेराल्ड जो है ये किसी एक आदमी की नहीं है जवाहरलाल नेहरू की नहीं है ये लगभग तीन हजार जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उन्होंने डोनेट किया पैसा और सरकार ने इनको जमीन दी प्राइम लोकेशंस पे सरकार ने दी ये पैसा आपका मेरा इन सबका है सरकार ने जमीन दे दी चलता रहा तीन तीन पेपर चलते रहे वो धीरे धीरे लॉस में चला गया उसमें कौन थे मोतीलाल व्योहरा जी उसके चेयरपर्सन थे अब वो जब लॉस में चला गया तो मोतीलाल व्योहरा जी कहाँ गए कि पैसा देना है जितने लोग काम कर रहे हैं तो मोतीलाल व्योहराजी गए कांग्रेस पार्टी के पास और वहां कौन था वहां जो खजांची ट्रेजर थे वो भी मोतीलाल वोहरा थे तो ये जो मोतीलाल वहरू वोहरा है नेशनल हेराल्ड वाले उन्होंने जाके कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा को कहा जरा नब्बे करोड़ रुपए दे दो यार वहां पर बहुत गड़बड़ हो गया है पैसे नहीं है तो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जी ने नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी को नब्बे करोड़ दे दिए अब वो नब्बे करोड़ चुका ना पाए नेशनल हेराल्ड तो यहां राहुल गांधी मोतीलाल वोहरा सोनिया जी ने मिलकर एक कंपनी खोली यंग इंडिया और सोनिया जी ने मोतीलाल वोरा को बोला यंग इंडिया वाले कि जरा जाके नेशनल वाले मोतीलाल वोरा से बोलो कि वो नब्बे करोड़ रुपया जो है हम माफ कर देंगे हम वो चुका देंगे आप ये नेशनल हेनल्ड हमें दे दो तो मोतीलाल वोहरा यंग इंडिया वाले जाके नेशनल हेरल्ड के मोतीलाल वोहरा से बोलते हैं भैया नब्बे करोड़ हम दे देंगे आप ये सारी प्रॉपर्टी दे दो सोचिए जरा ये सारा खेल मोतीलाल वोहरा सोनिया गांधी राहुल गांधी और पांच हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी माँ बेटे के जेब ऐसे हम इनको छोड़ नहीं करें थोड़ी बहुत जांच ईडी के लिए भी छोड़ देते हैं बिल्कुल देखिए अभी, अभी, नहीं नहीं अच्छा, सब 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 कुछ पता सुनिये, ये पता है है स्कैम ये, नहीं, में पे भाई भाई नहीं, 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 अब हो भाई हो गया आपका चलो बोलो बोलो ऐसे ही अभी ठीक जैसे कहा सारा जो नॉलेज इनका है ईडी का ईडी को कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं इनसे ही ब्रीफ लेके चले जाते अगर इस केस में तथ्य होता तो आठ साल तक भाजपाई वेट नहीं करते दूसरी बात उन्होंने बहुत चीजें कही सारी तथ्य के खिलाफ जो पांच हजार करोड़ की बात करें उसकी वैल्यू है तीन सौ सत्तर करोड़ दूसरा नेशनल हेराल्ड एक नेशनल अखबार था 1942 से चल रहा था अगर उसके आदमी उसके जो भी स्टाफ था उसको सैलरी के लिए कांग्रेस पार्टी ने पैसा दिया उसमें भी इनको आपत्ति है दूसरी बात आज जो यंग इंडिया कंपनी हुई है वो कोई प्रॉपर्टी ले नहीं सकती है कोई प्रॉपर्टी बेच नहीं सकती है कोई सैलरी उसमें से ले नहीं सकते हैं आज तक ना उसमें एक भी पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है ना फ्यूचर में होगा

बताइएगा क्या कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया और क्या कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ किया हाँ या ना बिल्कुल माफ नहीं किया उसने राइट इक्विटी क्रिएट किया है और उस राइट को वहां पे यंग इंडिया के माध्यम से दिया है और आखिरी चीज हाँ नब्बे करोड़ का लोन माफ नहीं किया बिल्कुल वहां पे जो इक्विटी में उसको कन्वर्ट किया तो क्या एजीएल से वापस आया 90 करोड़ एजेंसी जब माफ कन्वर्ट होता है जब इक्विटी क्रिएट होता है एक राइट क्रिएट होता है तो उस राइट के माध्यम से जब तक वो राइट क्लियर नहीं होता है उसमें कोई कोई कार्यवाही तो अभी यंग इंडिया के पास है एजेल की सारी संपत्ति जो इसके यंग इंडिया में डायरेक्टर कौन है जो यंग इंडिया में सोनिया जी है मैं यही कह रहा हूं तो उसमें सेल नहीं हो सकता सेक्शन 15 नहीं देखिए अमन जी मुझे मालूम है जैसे कई बार क्या होता है छात्र कमजोर होता है ना तो टीचर उसकी मदद करता है तो आप इनकी मदद कर facts, सकते हैं। अगर मेरे फैक्ट्स अच्छा एक मैं एक सवाल और पूछूंगा मैं एक और सवाल एजीएल की एजीएल की कुल संपत्ति तीन साढ़े तीन हजार करोड़ नहीं थ्री सिक्सटी करोड़ जिसका मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ संपत्ति तीन से साढ़े तीन हजार करोड, वो करोड़ तीन सौ नब्बे करोड़ आंकड़ों तो तो है तो है के साथ दिया एक सवाल एक भाजपा के नेता का नाम जिसके ऊपर ईडी ने जो दस नेता मैंने बताए ठीक है वो कांग्रेस से बीजेपी में गए या गई एक नेता का नाम बताया जिसपे उन्होंने कार्यवाही ठीक है अब अब संबित की है संबित

ये लड़ रहे हैं कि नहीं वो पांच हजार करोड़ वाला एलिगेशन गलत है आपने तीन हजार कुछ कहा वो भी गलत है हमने लूटा है चार सौ करोड़ रुपए पांच हजार करोड़ क्यों बोला पांच हजार दिमाग के लोग है पर्दाफाश कर लीजिए आप मतलब, कंप्लीट नहीं करेंगे देखिए मैंने बार बार समझाया आपको नेशनल हेराल्ड का केस नेशनल हेराल्ड के केस में आप बताइए कंप्लेनेंट कौन था सबसे पहला सबसे पहला कंप्लेनेंट जस्टिस शांति भूषण जो लॉ मिनिस्टर थे जो भाजपा के खिलाफ हैं और काटजू जस्टिस okay. काटजू जो सुप्रीम कोर्ट में थे दोनों ने क्या चिट्ठी लिखा थे दोनों ने चिट्ठी लिखा कि हम शेयर होल्डर थे नेशनल हेराल्ड में इस यंग इंडिया ने हमारे शेयर को ले लिया नेशनल हेराल्ड से और हमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग तक नहीं बुलाई गई हमसे पूछा तक नहीं गया और आप जानते हैं शांति भूषण जी हमारे खिलाफ है प्रशांत भूषण जी के पिताजी हैं उसके बाद यह सारा एक्टिविटी शुरू हुआ है कंप्लेनेंट इन्हीं के घर के अंदर से थे दूसरा इन्होंने गुजरात 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 में जिस गुजरात से हूं, उस गुजरात में जिस से उस ड्रग पकड़ा जा रहा है क्या? पकड़ा जा जा रहा रहा है है क्या अगर हमें चोरी करना होता तो करोड़ों के ड्रग पकड़ते नहीं ले जाते अंकते में दबा करके पहले यही अंकते में दबा के ले जाते थे पकड़ाया नहीं जाता था और गुजरात में क्या हो रहा है गुजरात में क्या हो रहा है जरा हार्दिक पटेल जी से पूछिए आपने अध्यक्ष बनाया था थोड़े दिन में देखिए मोह भंग हो गया चार लोग इनके हैं नहीं खुद गुजरात में कांग्रेस ही नहीं है यहाँ के हमें भाषण दे रहे हैं प्रवचन कर रहे हैं अरे पहले चार कांग्रेस बोल रहे सताइस साल से राज कर रहे हैं करेंगे आप तो है ही नहीं वहां पे चार लोग तो आपको मिलते नहीं है दो चुनाव तो जीत नहीं पाते हैं क्यों इतना दूध का धुला हुआ है इतना बढ़िया है आप लोग तो क्यों नहीं हो पाता है बोल रहे हैं, छात्र कमजोर पूरे देश में एक ही छात्र कमजोर है अरे आप जानते हैं वो भाजपा ही छात्र है अरे एक ही छात्र कमजोर है और ये सारे ये लोग मिलके उसका पर्चा लिखते रखते है सारा लिखते, फिर भी कुछ नहीं होता है वो छात्र पास हो ही नहीं पाएगा कुछ भी अब रोहन, रोहन रोहन देखिए जो भाजपा के चंगू मंगू है यहाँ पे आके कुछ भी बोलते हैं उनकी बातों को अगर आप सीरियसली लेंगे और जिस प्रकार से देश का इन्होंने माहौल बना रखा है हर चीज को मजाक में उड़ा रहे हैं अभी उनके नेता संसद में बोल रहे हैं कि हमको तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारा अनाज हमको ही दे रहे हैं भैया प्रधानमंत्री का धन्यवाद तो इसलिए कहना करना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी हम लोग बच गए जीएसटी के बाद भी हम बच गए कोरोना के बाद भी हम बच गए बेरोजगारी के बाद भी हम लोग बच गए इतने सवालों को मजाक में उड़ा के जैसे जैसे इन जैसे जो, थीक जो, थीक थीक जो 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 लोग हैं, लोगों ने माहौल जो बनाती है कि देश एक आंकड़ा आया है कि उज्ज्वला योजना में साढ़े चार करोड़ महिलाओं ने कभी रिफिल ही नहीं कराया है और इनके देखिए बोर्ड ये चंगू मंगू लेके घूमते हैं उज्ज्वला उज्ज्वला एयरपोर्ट करना हर घर तिरंगा बिल्कुल तिरंगा देश का अभियान है पर उसके पीछे हर दिल में हर दिल में तिरंगा होना चाहिए जो देश की एकता की भावना है जो भावना को इन्होंने तोड़ा है हर जगह पे जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं भारत माता की जय का मतलब यह हर गरीब परिवार सुखी हो भारत माता की जय का मतलब है कि हर बेरोजगार को नौकरी मिले भारत माता की जय का यह हर महिला को उसका अधिकार मिले भारत माता की जय का मतलब है कि हर छात्र को शिक्षा मिले भारत माता का अधिकार है कि हर भारतीय को उसका अधिकार मिले और हम उसके साथ देखिए देखिए लास्ट कमेंट है हर घर तिरंगा प्रोग्राम अच्छी बात है आप लोग सबने स्वागत किया करना ही चाहिए मैं आपको बताता हूं तिरंगा एक राष्ट्रीयता के के भाव को को फैलाने लिए आप आप सोचिए आज अमेरिका ने एक मिसाइल स्ट्राइक करके अल जवाहरी को मार दिया सोचिए अगर हिंदुस्तान का मिसाइल स्ट्राइक होता तो हिंदुस्तान में क्या होता मैं माहौल बता रहा हूं बताओ प्रूफ बताओ कि सर्जिकल स्ट्राइक तुमने किया बाइडन ने वहां बोल दिया अमेरिका ने बोला हाँ ठीक किया ठीक किया बाइडन ने ठीक इंडिया में अगर होता और हमारी आर्मी ने बोला होता कि हमने मार दिया है

आपत्ति आप वहां से वो कह रहे हैं कि हर अब हर घर तिरंगा डीपी में तिरंगा अबल जवारी जाता तो वो लोग सवाल उठाते हैं ये आपको डाउट क्यों और सर्टिफिकेट क्यों देते हैं आप लोग डाउट पूरा डाउट है जी हमारा तो कोई इनके ऊपर 100% जिन्होंने अंग्रेजों की माफी मांगी है देखो बोलो गेट डोर इनके बाद आप बोलेंगे पूरा डाउट है हमको इनके ऊपर नहीं क्यों नहीं होगा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोल देते हैं वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है आ, अरे अभी जान, आप भी आप ऐसे है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है आप बताइए ये आप बताइए ये वो, है ये बता ये, वो लोग हैं है जिन लोगों ने आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कह दिया अनुच्छेद 370 जब हटा तो पार्लियामेंट में पहला प्रश्न था क्या आपने पाकिस्तान से पूछा है क्योंकि तो बायोलेटरल विषय है जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसमें ये लोगों को डाउट हो जाता है डोकलाम जब होता है तो टेंट के नीचे पाए जाते हैं माँ बेटे जाके दो में के फिर, फिर फिर कुछ हो गया जो संघ है सत्तर साल जवाब दीजिए ना तिरंगा क्यों नहीं फहराया शांति से बैठो तेरा चौदह पंद्रह अरे बिल्कुल आपकी सर्टिफिकेट की फहराएंगे बोल रहे आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है